गुलबर्गा शहर में प्रेस मीट कर सुनील मानपाड़े एंड टीम ने पीएसआई स्कैम, केईए स्कैम की तरह केपीएससी में भी बड़ा स्कैम होने का दावा किया है। मारुति मानपाड़े सेवा संघ कलबुर्गी, कर्नाटक राज्य रहित संघ और योजना सेवा संघ के बैनर तले प्रेस मीट कर यह दावा किया गया है कि हाल ही में हुए केपीएससी एग्जाम में बड़ा स्कैम किया गया है। गुलबर्गा हेडलाइन से बात कर सुनील मानपाड़े ने बताया, साल 2020 में बीजेपी सरकार में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए 140 वार्डन का हैदराबाद कर्नाटक रीजन से 60 और पूरे कर्नाटक में 80 कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन किया गया था। कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन होने के बाद सुनील मानपाड़े ने कर्नाटक स्टेट में दिए गए केपीएससी कैंडिडेट्स की स्क्रूटनी कर ये डिटेल जमा की है, जिसमें मालूम हुआ है श्री अफजलपुर तालुका से 18 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 30 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया है। मंडिया, मैसूर, टुमकुर और दीगर डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो सिर्फ 1, 2 या 3 कैंडिडेट्स ही सेलेक्ट हुए हैं। गुलबर्गा, बीजापुर और बेलगाम, सिर्फ इन 3 डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ से 60 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया है। इन आंकड़ों से यह साफ नजर आता है कि पीएसआई और केईए स्कैम की तरह केपीएससी एग्जाम में भी बड़ा स्कैम किया गया है। सुनील मानपाड़े ने गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खड़गे से डिमांड कर कहा, इस मामले में इंक्वायरी कर केपीएससी कैंडिडेट्स के ऑर्डर्स को रोक कर इन्हें नया नोटिफिकेशन जारी करना होगा। कांग्रेस गवर्नमेंट का यह वादा था कि बीजेपी के भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। केपीएससी एग्जाम में भी बीजेपी ने बड़ा स्कैम किया है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए वरना बड़ा एहतजाज किया जाएगा। This video presented by Inspire Global Group Institute. Learn to succeed. Institute offers a wide range of professional and technical courses. Currently offering 20% discounts. Visit for details and free career counseling at MG Road Adarsh Nagar Kalburgi. Okay. Sabko namaskar. Mera naam Sunil Manpade. Hum comrade Maruti Manpade avara Seva Sangh Kalburgi se aur Karnataka Rajya Raita Sangha aur Yuvajana Seva Sangh se baat kar rahe. Aaj hum press meet karne ka main mudda hai ki 2020 सातवें महीने में कर्नाटका सरकार, गए सरकार, बीजेपी सरकार में सोशल पर डिपार्टमेंट के 140 वार्डन का नेमकाती हुआ था, वो भी केपीएस की तरफ से। 140 में 60 कर्नाटक के, हैदराबाद कर्नाटक के कैंडिडेट्स और 80 जो है ना कर्नाटक के कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन हुआ। 140 में जो नेमकाती हुआ उसके अंदर अफजलपुर के 18 लोग इलेक्ट हुए है और बाकी 30 जो है ना गुलबर्गा के डिस्ट्रिक्ट के, तो टोटल 60 जो हो कर्नाटक से रुंद में जो 80 जो नेमका थी वो उसके अंदर 60 लोग 3 जिले से, एक गुलबर्गा, एक बीजापुर, एक बेलगांव से। उसके अंदर 18 लोग क्या है स्टेट लेवल रैंकिंग में अफजलपुर वाले हैं। तो क्या समझ में आ रहा है कि ये पूरा बड़ा स्कैम हुआ। 80 लोगों का स्टेट लेवल रुंद में जो है ना वो 80 के 80 पैसे दे के पास हुए, चीटिंग कर, सामूहिक नकल हुआ बोल के हम बोल रहे। और कल्याण कर्नाटक में 60 जो सीट है वो भी नकल हुआ बोल के इसके ऊपर समझ में आ रहा है। जैसे पीएसआई नेमकाती हुआ था परसों के जैसा अक्रम हुआ, वो भी ये भी पूरा अक्रम हुए सो है। ये पैसे लेके पूरे 140 वार्डनों का सामूहिक नकल हुआ सो है। ये जो एग्जाम हुआ, ये एग्जामिनेशन और आगे आते सो उनको आदेश देना बोल के जो ऑर्डर देने का है, ऑर्डर रुकाना और ये पूरा आदेश रुका बंद करके नया नोटिफिकेशन करना बोल के हम सरकार को आग्रह कर रहे हैं, नहीं तो हम प्रतिभट करना बोल के हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं। और सरकार बोली सो हमारे सर, हम जीत के लाए सो सरकार बोली से हमारा छेटवा जो डिमांड है अच्छे आने गारंटी जो है ना, हम बीजेपी का भ्रष्टाचार आप बाहर लाते बोल के बोले, ये भी बड़ा भ्रष्टाचार है। एक 40 लाख 50 लाख रुपए एक लेके आप एक एग्जाम में एग्जाम कराते पास कराते बोले तो प्रतिभावान बच्चे, पढ़े सो बच्चे क्या करना। तो ये 140 लोग है पूरा स्कैम करे सो है, ये एग्जामिनेशन रद्द करना, नया एग्जामिनेशन करके हॉस्टल वार्डन का नेम कति करना बोल के हम आग्रह कर रहे हैं सरकार से। This video presented by Inspire Global Group Institute. Learn to succeed. Institute offers a wide range of professional and technical courses. Currently offering 20% discounts. Visit for details and free career counseling at MG Road Adarsh Nagar Kalburgi.